नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर आईएमपी के साहू सीजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्याख्याता सीधी भर्ती के पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू अंतर्गत व्यापम ने जारी कर दिए हैं। आप देखेंगे पिछले जस्ट दो दिन पहले आप देखेंगे कि उसकी सूचना जारी किया हुआ था। आज जो है उसी में उसका डेट डिक्लेयर कर दिया है कि कौन से विषय को किस दिन बुलाया जाएगा। बकायदा समय के अनुसार दो दो पाली में इसको लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप जो जितने भी विषय छह सब्जेक्ट के लिए जो लिया गया था उसका सत्यापन डेट जारी हो चुका है कि कौन से विषय को किस दिन बुलाना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे यह सत्यापन दिनांक 5/11/2019 से 11/11/2019 तक के चलेगा। ये कहाँ जाना होगा आपको सभी को पता है। उम्मीदवारों को दो दो पालियों में शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE शंकर नगर रायपुर जिला रायपुर में बुलाया गया है। प्रथम पाली 10 बजे से 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो द्वितीय पाली 12:30 बजे के बाद चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से को कब कब बुलाया गया है। यहाँ पर देखो, रसायन शास्त्र को पहला दिन 5 तारीख को बुलाया गया है। जीव विज्ञान वाले को 6 तारीख को बुलाया गया है। भौतिक शास्त्र को 7 तारीख को बुलाया गया है। गणित वाले को 8 तारीख को बुलाया गया है। वाणिज्य वाले को 9 तारीख को बुलाया गया है और अंग्रेजी वाले को 11 तारीख को बुलाया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके लिस्ट जो सत्यापन में जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनकी लिस्ट जो है आपको इस पोर्टल में मिल जाएगा, www.edu.portal.cg.nic.in पर दिनांक 26 तारीख को देखी जा सकती है। और साथ में आप देखेंगे उसके पते पर भी डाक के माध्यम से भी भेजा जाएगा आपके पास सत्यापन के लिए। एक लेटर बकायदा आपके घर में भी पहुंचाया जाएगा। तो आप बिल्कुल वहां पर आप इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। अब देखते हैं कि आपको क्या क्या ले जाने होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे आप कि आपको क्या क्या ले जाने होंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए। आप देखेंगे व्यापम द्वारा जो व्याख्याता भर्ती है उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको क्या क्या ले जाने होंगे प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो दो सेट में आपको ले जाने होंगे सभी को। दो सेट में दो पासपोर्ट फोटो लगेगा, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं चाहिए। मैंने 3-3 सेट बोला था, आप 3 सेट बना के भी रख सकते हैं। 2 सेट बोले लेकिन आप जो है एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। वो आपके पास कमी नहीं रहना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, स्नातक की मार्कशीट चाहिए, स्नातकोत्तर मार्कशीट भी चाहिए जो संबंधित विषय में जिसका आप एग्जाम दिलाए हो, बीएड के मार्कशीट चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र भी चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र भी चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप उसके लिए अप्लाई किए हो तो उसके लिए चाहिए, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र चाहिए। यदि प्रवेश पत्र नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज आप जो ऑनलाइन फॉर्म किए हो वो बिल्कुल आप लेके जाइएगा उसको। मेरे ख्याल से उसके भी आप लेके जा सकते हो जिसमें उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन आप बिल्कुल पकड़ के जाइएगा। यदि आप शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना होगा। यदि आपके पास अन्य योग्यता भी है तो आप लेके जा सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे रोजगार पंजीयन की उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी आप मेरे ख्याल से रोजगार पंजीयन के प्रमाण पत्र भी आप लेके बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि आपके पास कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना हो कि उल्लेख तो नहीं किया है, मानता हूँ वहाँ लेके नहीं जाओगे, फिर भी आपको आप बोल सकते हैं कि हाँ उल्लेख नहीं किया गया, नहीं लाए, लेकिन आपके तरफ से कोई कमी नहीं हो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को, ऑल द बेस्ट। और जहाँ तक हो सके मार्कशीट आप बिल्कुल संभाल कर रखिए, बहुत बड़ी आपकी मतलब उपलब्धि होगी जब नियुक्ति हो जाओगी। रेगुलर व्याख्याता के लिए है ये, इसके लिए लोग बहुत मेहनत की, आप सभी ने मेहनत किए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। दिवाली ऑफर है मान के चलिए आपके, दिवाली के बाद जस्ट आप खुशी खुशी सत्यापन के लिए जाएंगे। भगवान करे आप सभी का जो आप लेके जा रहे हो आपकी नियुक्ति हो जाए, और जहाँ तक हो सके आपके प्रमाण पत्र सभी के पास सही हो, आप में कोई विसंगति नहीं पाया जाए, ऐसा मैं भगवान से दुआ करता हूँ। आज इतना ही।